देख रही है खबर YouTube। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं मोहम्मद अजहर जमादार, खबर खमठोक में। तो खामगांव विधानसभा मतदार संघ के ताल्लुक से हम कुछ आपसे बात करने वाले हैं, या आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा एक पत्रकार ग्रुप है, उसमें कहीं ना कहीं चर्चा चलती है, प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। संपूर्ण खामगांव शहरातील नागरिकांना उत्सुकता आहे, ती मला पण उत्सुकता आहे, परंतु अजून वेळ आहे। वेळ किती आहे भाऊ, हे पण सांगा। वक्त बताइए, जगह दिखाइए, सारी चीजें मुकर्रर हुई या नहीं हुई वो बताइए। अबे ब्रेकिंग न्यूज डाल डाल के ब्रेक लग जा रहा है न्यूज पर, लेकिन न्यूज नहीं आ पा रही है। अब पब्लिक करे इंतजार तो कितना इंतजार करे। अब एक चीज और मैं दिखाऊं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मिस्टर सिटिंग आमदार विधायक, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है तकरीबन, और पर्चा भरने की बात है, पर्चा भर दिया, भरना बाकी है, ठीक है, एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस का अब तक कोई अता पता और ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। हाँ, कार्यकर्ताओं में उत्सुकता दिख रही है, बट अभी तक के कोई खोज खबर नहीं आ पा रही है। जहां तक जलगांव जामुत की बात है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीट छुटी है, हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अब इसमें एक विशेष चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, या मैं उस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ जो बड़े कम लोग इस पर बात कर रहे हैं और गौरव फिक्र नहीं कर पा रहे। कहाँ है वंचित बहुजन अघाड़ी? लास्ट टाइम में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनका कोई बयान नहीं आया, और ना ही किसी आला दर्जे के नेता का बयान आया। क्यों नहीं आ रहा है? क्या इंतजार किस चीज का है? क्या कोई गठबंधन है, या फिर कुछ बात कुछ और है? इतना समय वंचित नहीं लेती है, जहां तक कि खामगांव विधानसभा की बात हो। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि शरद पवार ने बड़े अच्छे से इलेक्शन लड़ा, अच्छे खासे वोट भी प्राप्त किए, लेकिन इस बार जलगांव जामुस से भी कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है, और न ही खामगांव शहर से। ऐसा क्यों? ये जनता सवाल कर रही है, ये जनता प्रश्न पूछ रही है, कितना समय क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्शन को चंद ही दिन बाकी है, नॉमिनेशन के लिए भी अगर बात करेंगे तो चंद दिन बाकी है, लेकिन अब तक इन दो पार्टियों का, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का, कोई अता पता ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में मैं और आपसे रूबरू होगा, आपसे बातचीत करूंगा, कोशिश करूंगा कि खामगांव विधानसभा के ताल्लुक से या महाराष्ट्र में कई अन्य सीटों के ताल्लुक से मैं आपसे बात कर सकूं। चलिए, बहुत जल्द मुलाकात करता। ट्रैफिक थोड़ा सा, रात के 11:30 बज गए तकरीबन, ट्रैफिक इस ट्रेन में चल रहा है, क्योंकि कुछ देवियों के प्रोग्राम है, स्थापना हुई है, अभी कुछ पूजा पाठ वगैरह चल रही, तो इसके लिए ट्रैफिक जाम है, चल रहा है अभी तक। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात करूंगा खबर खमठोक के माध्यम से, साप्ताहिक समाचार खबर खमठोक के माध्यम से। ये पटाखे फूट रहे हैं, इसमें भी बात की निशानी है, क्योंकि बता ऊपर पटाखे रात की 11:30 बज रहे हैं। रीजन तो कुछ है पटाखे फूटने। ये तिलक मैदान और मस्तान चौक के आसपास पटाखे फूट रहे हैं। मैं आपको एड्रेस कैसा दूं कि कहाँ फूट रहे? मैं कुछ इतना ही समझता कि एड्रेस मैं इसमें आपको दर्शा सकूं कि कहाँ फूट रहे, लेकिन पटाखे फूट रहे सारे शहर में दिख रहे। क्या कांग्रेस से माजी आमदार दिलीप कुमार सानंदा जो है तो नॉमिनेशन भरेंगे? क्या ये उसके संकेत है? आने वाला वक्त बताएगा, और बहुत जल्द आपसे मैं मुलाकात करूंगा। मैं मोहम्मद अजहर जमादार, आदाब, सलाम, बाय बाय।